हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज मैंने बच्चों के लिए एक बुक मंगाई है जो बच्चे पहले पहले लिखना सीखते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बुक है, बहुत अच्छी है। और इसके साथ रिफल्स भी आएंगे जो मैजिक रिफल होंगे, और एक पेन आएगा और इसके साथ एक होल्डर भी आएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने मंगाया है, इनके साथ 10 रिपल आई है जो मैजिक रिपल है दोस्तों। ये लिखने के बाद 10 मिनट के बाद में गायब हो जाती है, और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से आ गई है। और इसका हम घर जाके अनबॉक्स करेंगे। चलो अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको निकाल के अच्छे से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये 4 बुक आई है। एक तो ड्राइविंग की बुक आई है जिसमें ड्राइंग करना सीखेंगे। आप देख सकते हो इस प्रकार से हल्के हल्के इसमें ड्राइंग की हुई है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस पे ड्राइंग कर सकते हैं। और ये अल्फ़ाबेट की है ये बुक, आप देख सकते हो जो इस पे ब्लैक कलर में जो अक्षर लिखे हुए हैं उन पे पेन चलाना होगा, और वो पेन 15 मिनट में गायब हो जाएगा। आप देख सकते हो ये मैथ की है, इसमें छोटे छोटे प्लस माइनस ये सब किए हुए हैं। आप देख सकते हो 16 पेज है इसमें, और इनका जो कागज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये नंबर की बुक आई है दोस्तों। इस बुक को हम मल्टी बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो स्याही इसके साथ आई है वो 15 मिनट के बाद गायब हो जाती है। आप देख सकते हो दोस्तों, और अब मैं बता देता हूँ कि इसके साथ क्या है। आप देख सकते हो इसके साथ एक पेन आया है, और 10 रिफल्स आई है, और एक पेन होल्डर आया है जिससे बच्चे पेन को पकड़ना सीख जाएंगे। आप देख सकते हो ये 10 सही है, और जो इसमें स्याही भरी हुई है वो मैजिक स्याही है। यानी इस स्याही का यूज अगर बच्चे करेंगे और इससे जो भी कुछ वो बुक में चलाएंगे वो 10-15 मिनट में गायब हो जाएगी। आप देख सकते हो मैं इसमें डाल देता हूँ, और जो पेन होल्डर है उसको इस प्रकार से डालना है। मैंने अच्छे से डाल दिया है, और इस प्रकार से आसानी से बच्चे पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों ये पेन भी बहुत अच्छा चलता है। मैं इसके ऊपर कुछ लिख देता हूँ दोस्तों। मैंने इस पेन को पहले भी ट्राई कर लिया है, इसमें 10-15 मिनट में आराम से स्याही गायब हो जाती है। लेकिन अगर कोई दाब से लिखता है तो वो दाब का निशान रह जाता है, लेकिन स्याही बिल्कुल गायब हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, और इससे बच्चे अच्छे से पढ़ना भी सीख जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।